सेकेंड आपको ऑब्जर्व हुआ कलर, कलर क्या हुआ, कलर ऑफ द अदरवाइज कलरलेस सॉल्यूशन बिकम ब्लूइश। सो ओके, सो हम यूनिट 7 पढ़ रहे हैं, ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1। इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ने हैं, दो टाइप्स हैं इसके, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल्स पढ़ने हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन, ईएमएफ, नर्स्ट इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, गैल्विनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। गैल्विनिक पर हम बात कर रहे हैं, ओके। सो अभी हमने तीन चीजें ली, एक सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन दिया, उसमें कॉपर की रॉड डिप है, तो तीन ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहे हैं। एक तो कलरलेस सोल्यूशन था वो ब्लूइश हो जा रहा है, कॉपर की रॉड पहले मोटी थी वो पतली हो रही है। तीसरा क्या है कि अ सिल्वरी लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द डिप कॉपर स्ट्रिप, तो कॉपर स्ट्रिप पे सिल्वर की लेयर आपको डिपॉजिट मिल रही है। तो यहाँ पे केमिकल चेंज क्या हो रहा है, व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड इट, क्योंकि हमें तो इसके बिहाइंड इसकी केमिस्ट्री देखनी है ना। सो वो क्या रहा है, लेट्स सी। सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो कॉपर एटम्स हैं कॉपर प्लेट में, मतलब स्ट्रिप में, दे आर गेटिंग व्हाट, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड ऑक्सीडेशन मीन्स व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऑक्सीडेशन मीन्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कॉपर जो आपकी स्ट्रिप थी, इट इज व्हाट कन्वर्टिंग इनटू Cu2+ एंड टू इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीजिंग। सो हियर ऑक्सीडेशन इज अकरिंग। नाउ अभी ब्लू कलर क्यों आया सोल्यूशन में, तो ब्लू कलर आया क्योंकि आपके क्यूपरिक आयंस यहाँ पे बन रहे हैं, क्यूपरिक आयंस के कारण आपको ब्लू कलर मिला। तो आपके दो रीजन तो पता चल गए, एक ब्लू कलर क्यों मिला और कॉपर की रॉड थिन क्यों हो रही है ना। नाउ सिल्वर क्यों डिपॉजिट हो रहा था, द सिल्वर आयंस आर गेटिंग व्हाट, रिड्यूस्ड टू सिल्वर मेटल बाय व्हाट, बाय एक्स व्हाट इलेक्ट्रॉन्स, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिलीज हुए ये सिल्वर ने एक्सेप्ट कर लिए। जब सिल्वर आयन ने एक्सेप्ट किया तो सिल्वर मेटल में कन्वर्ट हो गया सॉलिड। सो एक्सेप्टिंग इज इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, मेटालिक सिल्वर इज फॉर्मिंग एंड व्हिच इज डिपॉजिटिंग ऑन व्हाट, कॉपर प्लेट। सो ओवरऑल रिएक्शन विल बी व्हाट, यू विल ऐड दीज। सो इस ये और ये क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ऐड दीज टू लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड। सो Cu2+ प्लस Ag+ Cu2+ आपका बन रहा है एंड 2 Ag सॉलिड। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन व्हिच इज अकरिंग इन व्हाट, दिस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हमने कंसीडर किया, ठीक है। अब यहाँ हमें पता है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कॉपर मेटल हैज अ टेंडेंसी टू गेट व्हाट, ऑक्सीडाइज एंड डिस्प्लेस द सिल्वर आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड हेंस देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम व्हाट, कॉपर टू सिल्वर आयंस। नाउ आप दूसरा एक्सपेरिमेंट ले रहे हो, दूसरा आपने क्या किया है कि डिपिंग अ जिंक रॉड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आपने यहाँ लिया है कॉपर सल्फेट और आपने यहाँ पे जिंक की रॉड डिप की हुई है। अभी आपने क्या किया था, AgNO3 लिया था, कॉपर का रॉड डिपॉजिट डिप किया हुआ था। तो अगेन आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले जैसे ऊपर मिले, तो क्या ऑब्जर्वेशन मिले, अगेन द पार्ट ऑफ जिंक बिकमिंग थिनर, अगेन द कलर ऑफ सोल्यूशन इज बिकमिंग वॉट, कलरलेस हियर। इनिशियली इट वॉज ब्लू, नाउ हियर इट इज बिकमिंग कलरलेस, ठीक है ना। नाउ रेडिश ब्राउन सॉलिड डिपॉजिट्स ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक रॉड, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ टेम्परेचर सोल्यूशन का इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। नाउ वॉट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड इट अगेन, सो सिंस यू नो डेट वॉट कि जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहता है, तो जिंक विल डू वॉट, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जिंक का क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। सो वॉट विल हैपन हियर, अगेन द जिंक रॉड विल बिकम थिनर, है ना। तो ये रीजन आपका एक्सप्लेन हो गया, कौन सा, दिस वन, ठीक है, ये एक्सप्लेन हो गया इस रिएक्शन से कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक जिंक प्लस 2 आयन में बन रहा है, जिसके कारण आपकी जिंक रॉड जो सॉलिड थी वो कम पतली होती जा रही। नाउ ये जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए इस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन का कॉपर एक्सेप्ट कर लेगा। व्हेन कॉपर आयन विल एक्सेप्ट, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में कॉपर 2+ और सल्फेट 2- में प्रेजेंट होता है। सो व्हेन कॉपर आयन विल एक्सेप्ट दीस टू इलेक्ट्रॉन्स,
इट विल गेट रिड्यूस टू वॉट, कॉपर मेटल. नाउ दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन सॉलिड ऑन वॉट, ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक रॉक. सो वॉट इज हैपनिंग हियर, कि आपका ये टर्म भी एक्सप्लेन हो गया, ठीक है ना. नाउ ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या हुई, ओवरऑल रिएक्शन हुई अगेन टू इलेक्ट्रॉन से टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक प्लस कॉपर आयन, जिंक आयन प्लस कॉपर मेटल. सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन. अब वी कैन से वॉट, जिंक हैज अ टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज एंड जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए यहाँ पे कॉपर आयन एक्सेप्ट करेगा एंड कॉपर मेटल बनेगा. सो देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वॉट, फ्रॉम जिंक टू कॉपर आयन. अब आपने तीसरा एक्सपेरिमेंट चूज किया, ये कि आपने क्या लिया, तीसरे एक्सपेरिमेंट में आपने कॉपर, वी डिप अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर इन वॉट, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक नाइट्रेट. सो दिस इज अ कॉपर स्ट्रिप, है ना, आपने इसको डिप किया है जिंक नाइट्रेट, ठीक है, जिंक नाइट्रेट पर रिएक्शन की. नाउ नो रिएक्शन अकर्स, कोई चेंज आपको ऑब्जर्व यहाँ नहीं हुआ. सो वॉट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स, वी कंक्लूड डेट वॉट, कि फर्स्ट और सेकेंड में तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही थी, है ना, स्पॉन्टेनियस हो रही थी, आपको एक्सटर्नल कोई हेल्प नहीं देनी पड़ी. बट वेयर इज द रिएक्शन बिटवीन कॉपर मेटल एंड द जिंक आयन्स इन एक्सपेरिमेंट थ्री जो आपने चूज किया, ये इट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बिकॉज ऑफ विच दिस रिएक्शन इज नॉट अकरिंग बाय इटसेल्फ. बात समझ आ रही है, ठीक है ना. तो तीन चीजें हमने, यस मैम, यस, ओके. सो दो एक्सपेरिमेंट्स आपके स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जो थर्ड एक्सपेरिमेंट आपने दिया, इट इज नॉट, नो रिएक्शन इज अकरिंग हियर. नाउ यू नो डेट कि केमिकल एनर्जेटिक्स में हमने पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमेशा डेल्टा जी क्या होता है, कम होता है, मीन्स व्हाट, नेगेटिव वैल्यू आपको मिलती है. सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में गिब्स फ्री एनर्जी का रोल होता है. नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी यूज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फॉर डूइंग वर्क, इफ यस हाउ डू वी डू सो. सो द आंसर इज यस, वी कैन यूज गिब्स फ्री एनर्जी फॉर डूइंग वर्क. एंड हाउ वी विल डू इट बाय not allowing a direct transfer of electrons between the reactants. What this means? This means that this can be achieved by how? By separating the process. Means, ek is process, ek is half cell mein ho rahi hai, is ek half cell mein ho rahi hai. So, aap jab dono cheezo ko separate kar doge, hai na, ek reaction alag ho rahi hai, ek reaction alag ho rahi hai, to aapko ये चीज क्या गिब्स फ्री एनर्जी वर्क में हेल्प कर सकती है ना. सो व्हाट यू विल डू, दिस विल बी अचीव्ड बाय सेपरेटिंग द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर कंजप्शन, ठीक है, दैट इज सेपरेटिंग जिंक मेटल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन एक्सपेरिमेंट व्हाट, इन एक्सपेरिमेंट टू. सो यहाँ पे आपने क्या लिया था, जिंक को कॉपर में डिपॉजिट किया था. अभी आप जब आगे पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, जिंक को जिंक सल्फेट में डिप करोगे, कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट में डिजोल्व करोगे, मतलब डिप करोगे. सो दिस मींस व्हाट, जब आप इन दोनों को अलग अलग कर दोगे तो सेपरेट देयर इज ट्रांसफर ऑफ चार्जेस एंड व्हाट विल हैपन, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में नेगेटिव होती है ना, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है तभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है. सो इट कैन बी यूज फॉर डूइंग वर्क, मीन्स व्हाट, सच सेल जिसमें सेपरेट प्रोसेसेस होंगे, दैट इज नोन एज गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है, डेनियल सेल. इट इज इम्पॉर्टेंट समटाइम्स, वर्किंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ डेनियल सेल इज आस्क्ड. सो लेट्स सी व्हाट इज डेनियल सेल. सो इन ऑर्डर टू सेपरेट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर कंजप्शन, डेनियल सेल वी टेक टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वी विल टेक व्हाट, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स. In one of the electrode, we have zinc sulfate in a beaker and zinc strip up, वो करोगे, dip करोगे. दूसरे में क्या लोगे, copper rod को copper sulfate में dip करोगे. Okay? Now, हम begin करते हैं zinc electrode से. So, ये थोड़ा सा information है इसकी, galvanic cells किसके name से आए थे, यहाँ पढ़ लेना. Okay? Voltaic cell involving zinc and copper electrode is known as Daniell, क्योंकि
केमिस्ट से डेनियल, उनके नाम पे ये आया हुआ है. नाउ व्हाट विल हैपन, सिंस जिंक आपको पता है इट इज एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा, तो यहाँ आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. सो जिंक एटम विल गेट व्हाट, ऑक्सीडाइज, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट, एज ए कॉन्सिक्वेंस द चार्ज बैलेंस इन द मेटल इज डिस्टर्ब एंड द मेटल हैज अ व्हाट, एक्सेस ऑफ व्हाट, नेगेटिव चार्ज. अब जिंक मेटल पे जो ऑलरेडी जिंक मेटल एटम था क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स लीज हो रहे हैं. तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि मेटल हैज एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज. अब ऑन द अदर हैंड ड्यू टू रिलीज ऑफ जिंक आयन फ्रॉम द मेटल टू द सोल्यूशन देयर इज एक्सेस पॉजिटिव चार्ज इन वेयर इन द सोल्यूशन. सो आपके ड्यू टू रिलीज ऑफ जिंक आयन्स, ये कहाँ जा रहे हैं, जिंक आयन्स आपके जा रहे हैं सोल्यूशन, और इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं वो जिंक जो आपका सॉलिड था उससे रिलीज हो रहे हैं ना, स्ट्रिप थी. सो क्या हो रहा है आपका, जिंक मेटल के पास एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, सोल्यूशन पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो सोल्यूशन इज पॉजिटिव फिल विद व्हाट, पॉजिटिव चार्जेस एंड एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द मेटल. नाउ इन द टाइम सम जिंक आयंस मे गेट अटैक या अट्रैक्टेड बाय व्हाट, नेगेटिव मेटल, दैट इज इन टाइम द जिंक आयंस मे अट्रैक्टेड बैक टू द नेगेटिव मेटल and get deposit on it by taking electrons from there. That is zinc get reduced. So abhi tak zinc aapka oxidize ho raha tha, do electrons nikal rahe the, ye solution mein ja raha tha, hai na, aur ye electrons nikal rahe the. To abhi kya ho sakta hai ki zinc reduce ho sakta hai, matlab kya ki it is a reversible reaction, matlab zinc ion electron accept bhi kar sakta hai, and acceptation of electron is what, reduction. सो जिंक आयन रिड्यूस भी हो सकता है. सो इसीलिए आपका इक्विलिब्रियम एरो होता है, ये शो किया गया. नाउ एट अ सर्टेन स्टेज इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन व्हाट, जिंक स्ट्रिप एंड जिंक आयंस. दिस इज अ स्ट्रिप जो आपकी रॉड थी एंड ये आयंस है, तो आयंस और स्ट्रिप के बीच में आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा. ठीक है, नाउ इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, पोटेंशियल डेवलप्स बिटवीन व्हाट, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड एंड एक्सेस पॉजिटिव चार्ज इन द सॉल्यूशन. ठीक है, ये हुआ. अ सिस्टम कंटेनिंग मेटल स्ट्रिप रॉड डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन इन अ हाफ सेल इज कॉल्ड एज अ हाफ सेल. व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये जो रॉड है जिस सॉल्यूशन में डिप है ना, उस सॉल्यूशन में जिसमें डिप है ये, इट इज कॉल्ड एज हाफ सेल, मीन्स मे बी ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल. ठीक है, दूसरी बात, इस वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा. पोटेंशियल मतलब दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस, जिसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर होंगे. सो क्या होगा आपका, पोटेंशियल डेवलप होगा एंड इसको आप कहोगे हाफ सेल पोटेंशियल, है ना, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सिमिलर केस क्या होगा कॉपर पे भी होगा. कॉपर पे क्या होगा, अगेन कॉपर क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूज हो सकता है, दोनों चीज. So again here is what, equilibrium arrow. Okay, now we will see what, if we connect these two electrodes via metal wire, if you are connecting these two electrodes, that is this, via metal wire, theek hai, the electrons would flow from where, zinc to the copper electrode. For say this is zinc, यहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे. नाउ वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एक्सपेरिमेंट टू एंड थ्री डिस्क्राइब्ड अबव. नाउ वी वुड रिकॉल व्हाट एक्सपेरिमेंट टू, जहां पे जिंक कुड डिस्प्लेस द कॉपर आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन, बट एक्सपेरिमेंट थ्री में इट्स रिवर्स वाज नॉट ट्रू. दैट इज व्हाट, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बट जिंक कॉपर को कर सकते हैं. ओके, सो ये क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे. यहाँ आता है रिडक्शन पोटेंशियल की बात. ठीक है, सो अभी हम आगे देखते हैं. सो दिस इम्प्लाइज डेट व्हाट, पोटेंशियल ऑफ जिंक टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इज मोर देन डेट ऑफ कॉपर. पोटेंशियल टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज जिंक वांट टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड वांट टू कन्वर्ट इनटू Zn2+ आयन, एंड बिकॉज ऑफ विच कॉपर से ज्यादा जिंक का पोटेंशियल होता है क्या, टू गेट ऑक्सीडाइज्ड.
एंड ऑल्टरनेटिवली वी कैन विजुलाइज वॉट दैट द वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जिंक रॉड एंड द जिंक आयन्स अराउंड इट इज मोर देन दैट ऑफ वॉट कॉपर एंड द कॉपर आयन्स. ठीक है, इसका इसका जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या हाफ सेल पोटेंशियल है क्या है, कम है एज कंपेयर टू जिंक. सो दिस डिफरेंस ऑफ वोल्टेज इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर वॉट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स वॉट, दिस वॉज जिंक हाफ, दिस इज वॉट ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, कॉपर में रिडक्शन हो रहा था, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल. सो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके पोटेंशियल ज्यादा थे इसलिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो हो रहे थे. नाउ बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस है ना इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एंड इट इज द ड्राइविंग फोर्स. वॉट द डिफरेंस इन द पोटेंशियल इज द ड्राइविंग फोर्स वॉज फोर्स फॉर वॉट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लाइक सेम कि वॉटर, वॉटर कहाँ से फ्लो होता है, हाई टू लो है ना, नदी उल्टी नहीं बहती, हमेशा ऊपर से नीचे बहती है, नीचे से ऊपर नहीं बहती कि नीचे से ऊपर जा रही है. दिस मीन्स वॉट कि ज्यादा से कम पोटेंशियल जहां होगा वहां से इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रांसफर होंगे. फर्दर वॉट, दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक टू कॉपर वुड कॉज डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड ड्यू टू वॉट रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन्स. दिस मीन्स वॉट, कॉपर आयन्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं. सो कॉपर रॉड आपकी क्या होती जा रही है, थिक होती जा रही है, बट आपकी जिंक रॉड क्या होती जा रही है, थिन होती जा रही है. तो मेरे को याद है मैंने एक बार किसी क्लास में बोला था कि ये थिक थिन वाला कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है ना, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था. तो दिस इज वॉट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिहाइंड इट. ठीक है, नाउ सो कंक्लूजंस आर सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इन डेनियल सेल. The mass of zinc electrode decreases, as I said, and whereas the copper electrode increases. Now the overall reactions. So zinc, ये zinc half cell है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है आपका oxidation हो रहा है, zinc solid आपका zinc ion में convert हो रहा है ना, and electron release हो रहा है क्योंकि oxidation. Reduction means क्या, ये दोनों electrons आपके copper ion accept करके किसमें, copper metal में convert हो रहा है. Now overall reaction क्या होगी, again काट दो जो बचेगा उसको add कर दो. This is the overall reaction. Okay, now thus the chemical change in a cell is basically an electron transfer reaction. है ना, electron transfer के कारण ही आपकी zinc rod पतली हो रही, मोटी हो रही है ना. So this is what chemical change. So as a result of the flow of electron from zinc to copper and accompanied reaction, there will be what, excess of positive charge around the zinc due to excess of what, zinc ion as I said, and excess of negative charge around the copper because of what, sulfate ions. As copper ions are reducing. Okay, so आपका पॉजिटिव आयन्स की एक्सेस होगी जिंक रॉड के पास, और जो आपकी क्या होगी कॉपर रॉड होगी उसके पास नेगेटिव चार्ज की एक्सेस होगी ड्यू टू व्हाट, सल्फेट आयन्स ना, क्योंकि कॉपर सल्फेट में डिप था, कॉपर तो सल्फेट में नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि कॉपर आयन जो पॉजिटिव हो तो क्या हो रहा है, कॉपर मेटल में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो उसका तो बात ही नहीं हो सकती है ना. और आपका जिंक में ये फॉर्म हो रहा था, जिंक क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज होके, तो बचा तो यही है ना, इलेक्ट्रॉन भी चला गया, कॉपर आयन भी चला गया, तो आपको क्या क्या बच रहा था, सल्फेट एंड दिस. सो देयरफॉर द प्रोसेस व्हाट इज हैपनिंग हियर, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज ऑफ कॉपर ड्यू टू एक्सेस ऑफ दिस एज कॉपर आयन्स आर रिड्यूस्ड, देयरफॉर द प्रोसेस वुड व्हाट स्टॉप वेरी सून. फॉर दिस प्रोसेस टू कंटिन्यू व्हाट विल हैपन, अगेन आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज हो रहा है, तो क्या होगा, आपका जेड इन सल्फेट बन जाएगा, अगेन जेड इन सल्फेट बनता जाएगा, जेड इन सल्फेट बनता जाएगा. आपने जिंक में जेड इन सल्फेट में कन्वर्ट क्या किया था, डिप किया था. सो ये क्या होगी रिएक्शन, ये रिएक्शन एक टाइम के बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सल्फेट बनते जा रहे हैं है ना, बढ़ते जा रहे हैं, और आपके जिंक बनते जा रहे हैं, तो देर विल बी एक्सेस ऑफ पॉजिटिव एंड देर विल बी एक्सेस ऑफ नेगेटिव, बिकॉज ऑफ विच रिएक्शन विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम. So for this process to continue, we need to connect the electrolytes in the two half cells. As I said, कि जब एक रिडक्शन हाफ सेल है, मान लो ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन हाफ सेल है, यहाँ एक रॉड है, यहाँ एक रॉड है, ये सोल्यूशन में डिप है. नाउ
आफ्टर सम टाइम दिस रिएक्शन विल स्टॉप बाय, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज वो होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है, इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा? यहाँ नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो इसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा? सो फॉर दिस प्रोसेस टू कंटिन्यू कि चार्ज ट्रांसफर आपका होता रहे, यू विल नीड वॉट? यू नीड टू कनेक्ट दीज टू सेल्स. नाउ हाउ विल यू कनेक्ट? तो देयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज. तो सॉल्ट ब्रिज हम कल की क्लास से पढ़ेंगे, है ना. आज हमने डेनियल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा. दैट इज फॉर दिस प्रोसेस टू कंटिन्यू वी नीड टू कनेक्ट व्हाट? टू हाफ सेल्स, है ना, बिटवीन द टू सॉल्यूशन. इन अदर वर्ड्स, चार्ज कैरीड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल सर्किट मस्ट बी फॉलोड बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस बिटवीन द टू हाफ सेल्स. सो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी ये, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराने के लिए यू नीड एक्स्ट्रा हेल्प फ्रॉम द आउटसाइड, बिकॉज ऑफ विच सॉल्ट ब्रिज विल बी यूज. सॉल्ट ब्रिज यूज करने के लिए, करने के बाद आपका दिस विल बी कंटिन्यू, ठीक है ना. सॉल्ट ब्रिज है ये, सॉल्ट ब्रिज इस शेप का होता है. देन यू विल स्टडी वॉट? इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ओके, देन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल्स, representation of galvanic cells, so representation and cell reactions and cell diagram is important. Now EMF, standard electron potential, this whole unit is important. This is also important. Now stick question and its application, very very important. Then types of electrodes, ये भी important है. तो इसका अच्छा खासा वेटेज है इस यूनिट का. ओके, तो वी आर स्टॉपिंग हियर. आज की बात समझ आई सिमरन एंड अनिशा? यस मैम. ओके.